ग्रैंड एशियन न्यूज के जुनवानी रोड स्थित कार्यालय में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव उपस्थित हुए और ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव उपस्थित हुए और महापुरुषों और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित धर्मेंद्र यादव का कार्यालय पहुँचने पर ग्रैंड एशियन न्यूज़ की ब्यूरो चीफ शाहीन खान और प्रबंधक नसीम खान द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट का स्वागत किया गया। इस अवसर पर धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 75वीं वर्षगांठ पे मैं छत्तीसगढ़ वासियों को अपने भिलाई वासियों को आज़ादी के इस पावन पर्व पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और देश के को मजबूत करने के लिए यही आह्वान करूंगा, हम लोग को सबको मिलकर देश को मजबूत करें और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में और मजबूती से आगे आए, बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद। बहरहाल इस अवसर पर ग्रैंड एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर पल्लव सोन, मुमताज भाई अकरम खान, शमशुल खान सुखदेव, नजमी भाई, प्रदीप राठी मुरली, अभिनंदन राजेश अग्रवाल सहित स्टाफ अभिषेक सिंह, परमेश्वर सानी, गणेश और संतोष शर्मा उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।